लोग खड़े, सबका हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है इस वक्त। इट्स द सेम थिंग जैसे कि अक्सर देखें हर एक को, नहीं कभी कोई कहता ना कि लाइक फर्स्ट अपीयरेंस में कोई क्लिक कर जाता है, बस वो चीज दिल की घंटी बज जाती है, दिस इज द राइट पर्सन। और आप देखें कि एक कॉन्सेप्ट है पैंथम का, पैंथम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ऑरा है कि लोगों ने बाज जगह को ऐसी चीज देखी है व्हाइट व्हाइट सी, हाँ वो पैंथम कहते हैं उसको, वो ऑरा होता है आपका। तो अब ये अलग फील्ड है कि ये कैसे निकलता है, बट भारत फिलहाल हम इसको ये करें साइंटिफिक। अच्छा अब मैं बता दूं क्या करना होगा, जब हम सीडी ऑन करेंगे तो तमाम हमारे जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं करना चाहते हैं, अपने जिस्म से तमाम मेटल उतारेंगे जो उतर सके, जिससे घड़ी है अंगूठी है जो उतर सके, नहीं उतर सके कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आप कमर अपनी सीधी रख के ऐसे बैठेंगे फ्लैट, हाथ आपके यहां पे होंगे, ठीक है, लेग्स क्रॉस नहीं करेंगे आप, हाथ यहां रखेंगे। अच्छा अब इस सीडी में आपसे कहा जाएगा आंखें बंद करें, आपने आंखें बंद की, अब तसव्वुर ये करना है कि आपकी जो रेयर की हड्डी है स्पाइन, ठीक है ना, उस हड्डी के साथ साथ सात पहिए हैं या चक्रे हैं या लट्टू हैं साथ व्हील, ठीक है। पहला व्हील जो है ये उस जगह है कि जहां अगर हमारी पूंछ होती तो कहां होती, टेल बोन जिसको कहते हैं, ठीक है, कमर का बिल्कुल नीचे की हड्डी का पहला मोरा, ठीक। वहां तसव्वुर करें एक चरखी है, एक पहिया है, और वो पहिया घूम रहा है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, यानी लेफ्ट टू राइट। तो अब या तो वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल, आपने तसव्वुर करना बस पहिया घूम रहा है। अब आपने अपनी नियत से और ख्वाहिश से इस फिरकी को, इस पहिए को और तेजी से घुमाएं, गोल गोल घूमेगा ना, बस गोल घूमेगा घूमा। अब आप उसको सोचे कि और तेजी से घूम रहा है, कितना तेजी से घुमाएं, नीचे वाला पहिया पहला, नहीं पहला, पहला घुमाएंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अच्छा एक सीडी आपको गाइड करेगी, ठीक है, बोलती रहेगी कंटिन्यूअसली, पहिया तेजी से घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है। अच्छा उसके बाद उसको उसी तरह घूमने दे, फिर दूसरे पे आए, दूसरा पहिया जो है वो पहले से लगभग कोई डेढ़ इंच ऊपर है, ये वो जगह है जहां पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा ये नर्व फ्लेक्सी वहां की है, ये पहिया आपने घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिये पहला यूं घूम रहा है, दूसरा यूं घूम रहा है अपोजिट, ठीक है। मैं ये सीधी बताते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है ना। पॉइंट्स बता दूं, तीसरा पॉइंट आएगा नेवल यानी नाफ आपकी, नेवल के पास आपका एक एरिया जिसे सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, सही। यहां आपने फिरकी को क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर आपका आता है कार्डियक प्लेक्सिस दिल के पास, ये कल्ब, यहां का आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर ये जगह आती है, इसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं, इस जगह पे थ्रोट चक्रा कहते हैं, इसको चक्रा कहते हैं, यहां पर आपने घुमाना है, और जैसे बताएगा पांचवा, ये छठा स्पेस बिटवीन द आईब्रोज, कदीम जमाने में इसको थर्ड आई कहते थे, यहां का ताल्लुक है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। और फिर सातवां, यहां से नीचे अंदर कोई दो मतलब सवा इंच के करीब अंदर एक जगह है ब्रेन के अंदर, तो तसव्वुर करना है कि वहां एक पहिया है जो घूम रहा है, ये सारे पहिए घूमते रहेंगे तेजी के साथ। उसके बाद आपने इस एनर्जी को तसव्वुर करना है पूरे जिस्म में फैली है, और फिर आप दोनों हाथ उठाएंगे अपने इस तरह, तसव्वुर करें एनर्जी आपके हाथों में आई, और आपने डायरेक्ट करना होगा इस एनर्जी को कि मतलब बाकायदा सोचे कि ये आ रही है लेफ्ट में राइट में, हाथों में आई फिर हथेली में आई। हथेली में आने के बाद फिर आपने तसव्वुर करना, एक दो तीन कहा जाएगा, आसमान से गेंद आई वायलेट कलर की, जामनी कलर की, उस गेंद को आपने ऊपर हाथ ऐसे घुमाना जैसे वाकई गेंद है, ठीक है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि आपके ब्रेन को नहीं पता कि वाकई गेंद है या आप सिर्फ तसव्वुर कर रहे हैं, ठीक है, आपने खुद तो आपने तसव्वुर करना है कि गेंद है, उस गेंद पे से आपने मजीद एनर्जी लेने के बाद एक आवाज आएगी और वो गेंद गायब। जब गेंद गायब हो जाएगी, अब आपसे कहा जाएगा अपने हाथों को करीब लाएं, टच मत कीजिएगा और महसूस करें ऐसे ऐसे, तो आपको हाथों के दरमियान कुछ अजीब गरीब चीज महसूस होगी, जैसे कि कोई फोर्स, इसको फोर्स है, हाँ मैग्नेट वाली मैग्नेट फोर्स होती है। उसके बाद हम तो खैर ये करेंगे हाथ नीचे ले आए आंखें खोल दें, मगर नाजरीन अगर करना चाहते हैं तो जब ये गेंद आ जाए उसके बाद वो हाथ नीचे रख के तसव्वुर करे जो वो चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपने आप को यंग देखना चाहते हैं, तसव्वुर करे मैं यंग हूं, और ये तसव्वुर 5-10 मिनट तक कायम रखें। अगर कोई बीमारी है, गुर्दे का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, तसव्वुर करें कि वो प्रॉब्लम खत्म है और अब वो जिंदगी नॉर्मल गुजार रहे हैं। एक तरीका यह भी हो सकता है कि लेट्स से अगर आपके जिस्म में कहीं प्रॉब्लम है तो हाथ नीचे रखने के बाद वो एनर्जी को उस जगह पर डायरेक्ट करें, जैसे लेजर की तरह, कि लिवर में प्रॉब्लम है, एनर्जी लिवर में जा रही है और लिवर का जो भी फंक्शन है उसको नॉर्मल कर रही है। लवली, ये डेली करनी है, बीमारी के हालत में डेली करनी है। कोई खास स्पेसिफिक टाइम जिस टाइम पे करें उसी टाइम, या एम्प्टी स्टमक, नंबर वन एम्प्टी स्टमक, और करने से पहले एक ग्लास पानी, करने के बाद एक ग्लास पानी। और पानी इसलिए जरूरी है, शायद हमारे नाज़रीन नहीं जानते
कि पानी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जितना पानी आपके सिस्टम में होगा इतना ही एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी. एग्जैक्टली. और कोई भी टाइम हो, एनी टाइम, यानी कि एक खास टाइम मखसूस हो गया नहीं. अच्छा जी, अब क्योंकि जब हम थोड़ा दिखा दें सीडी. हाँ, दिखा दें प्लीज, थोड़ा सा आइडिया हो जाए. ये देखें जी, ये सीडी जो है अभी हम आपको बता रहे हैं, ये क्लोजअप ना टर्न कर ले, अभी दिखा रहे हैं इसको. ये देखें, ये दिस इज कॉल्ड द लिविंग पावरफुली, पावरफुली लिविंग पावरफुली ऑरा एंड चक्रा एक्टिवेशन. और एक दूसरी, ये जो है ये है, अगर आपको नींद ना आती हो तो शर्त यही, सुनेंगे तो सुनने से पहले पहले आप सो जाएंगे, आधी से पहले सो जाएंगे जी. वाह, ये डीप रिलैक्सेशन है. जिन लोगों को स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, ये दोनों हिप्नोटिक है बेसिकली. इसलिए मशीन चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त ये सीडी नहीं सुन सकते आप. अच्छा, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बिकॉज आपके हाथ पैर इतने ढीले हो जाएंगे. तो अच्छी बात है, इतनी प्रॉब्लम है लोगों को कि नींद नहीं आती. हाँ, तो हम कई कई लोगों को देखते हैं कि ये पिल खाने की बजाय अगर ये सीडी सुने और नींद आ जाए तो क्या खराब है. चले जी, तैयार हो जाइए नाजरीन. अब जो कुछ काम है, काम कहाँ जाए, मासी वासी तंग, कोई आपको तंग ना करे, उसको भी बिठा दीजिए, मासी को भी साथ साथ कि ये कर लो. आपको तमाम तफसीलात बता दी. जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम जब स्टार्ट करें, कोई कुछ बात नहीं करेगा, मैं भी और आप भी साथ करेंगे. मैं बीच में प्रॉम्प्ट करूंगा कभी जरूरत होगी तो. सो कीप वॉचिंग द मॉर्निंग लाउंज, स्पेशल डे फॉर स्पेशल पीपल, क्योंकि आप तमाम लोग बहुत स्पेशल हैं. तो आपके खातिर और एक सिस्टम पर पाकिस्तान के खातिर, इवन हमारे जो नाज़रीन पाकिस्तान से बाहर है, आई एम श्योर प्रॉब्लम्स किसको नहीं है. हर इंसान चाहता है कि उसे छुटकारा, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हो. तो उसके लिए कुछ वक्त निकालिए, और इस वक्त आपका हमारे साथ इंडस विजन के साथ है. लेंगे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक. वेलकम बैक इन द मॉर्निंग लाउंज. नाज़रीन, इस वक्त जो इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं, सबसे पहले डॉक्टर मुईज़ ने बताया कि कोई भी मेटल की चीज, मैंने अपनी घड़ी अंगूठियां उतार दी हैं, हल्की फुल्की पाजेब है, अगर आपकी स्टील वाली पाजेब है तो उसको आप भी उतार दीजिए. साथ साथ आप कमरा अंधेरा कर लीजिए, डार्क जितना होगा. हम यहां नहीं कर सकते, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो अजीब लगेगा. साथ साथ जो है अंधेरा करके पर्दे डाल लीजिए और जूते उतार दीजिए. मेन आपके पैर जमीन पे होने चाहिए. मैंने भी जूते उतार. इसकी वजह ये कि ये इलेक्ट्रिक का काम है ना सारा, ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, ग्रेविटी. तो अर्थ होना जरूरी है कि आपके पैर जमीन को टच करे, अर्थ होना जरूरी है. अर्थ कहते हैं. अच्छा, इस दौरान अब 10 मिनट तक हम आपकी ना कॉल्स लेंगे. आई एम श्योर आप भी कॉल नहीं करेंगे. जब हम खत्म कर लेंगे फिर आप धड़ा धड़ा में कॉल कीजिएगा, हाउ डिड यू फील ये. और बीच में कोई बेल बेल हो रही हो तो कोई